हेलो दोस्तों, तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ शादी में और आज दोस्त की शादी है, तो आज चलते हैं वहीं पे एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं सारा नज़ारा शादी का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे, तो मैं सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ दोस्त की शादी वगैरह। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं फटाफट से करते हैं, आपको दिखाते हैं शादी का ब्लॉग। तो दोस्तों हमारे साथ यूनुस भाई आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गांव हराड़ी, जहां से बारात मियाऊ को जाएगी। तो चल के आपको हम दिखाते हैं पूरा व्यू रास्ते का। तो भाई ये आ गया है हराड़ी गांव और ये देख सकते हैं यहां पर उपले, ये है गांव की पहचान। और ये हमारे दोस्त जा रहे हैं यहां पे, करण और अर्जुन। और ये सामने आ गया मंदिर। तो गाइस ये गाँव का समुन्द्र देख सकते हैं, छोटी गंगा। वाह भाई वाह, छोटी गंगा के पास हमारी गाड़ी चल रही है और सामने ही है घर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी घर के पास और सामने देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं बराती। तो दोस्तों यहाँ पर दूल्हा की जो गाड़ी है वो रेडी हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी को सजाया जा रहा है और इसी में जो है दूल्हा इसमें बैठ के जाएगा बारात लेने के। तो दोस्तों सारा प्रोग्राम जो है वो पूरा हो गया है और बारात रेडी है निकलने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा है जो गाड़ी के अंदर बैठ चुका है और अब निकलते हैं यहाँ से और आपको आगे चल के दिखाते हैं। सारी गाड़ी जो है बाहर गांव से इकट्ठी होंगी, तो वहां चल के मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली बारात रेडी हो चुकी है निकलने के लिए और मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं यहां पर, तो गाइस बारात रेडी है निकलने के लिए। तो ये है दूल्हे की कार। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का पुल। तो ये तिराया है और यहाँ पर लगा हुआ है तिरंगा। तो ये चौक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है पुल सामने। तो ये है दोस्तों पुल। तो दोस्तों ये है उसैद जो कि बदायूं जिले से करीब 15-20 किलोमीटर लगभग होगा। तो यहाँ से निकल के बारात जा रही है जो कि लड़की वालों के घर, और जो उसैद से जो मियाऊ की तरफ जा रही है जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर के लगभग दूर है लड़की वाले के घर। तो ये है मेन गोल चक्कर बना। दोस्तों ये देख सकते हैं लिखा हुआ है मियाऊ 11 किलोमीटर, क्योंकि ये फाइनली हम पहुंच गए हैं लड़की वालों के घर के पास, जो कि सामने आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है और इसी टेंट में हम चल के अभी बैठने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर नाश्ता जो है घटना शुरू हो गया है और अब सारे जो बराती हैं उनको नाश्ता वगैरह दिया जा रहा है। तो सामने स्टेज पर दूल्हा है और यहाँ पर देख सकते हैं बराती लोग बैठे हुए हैं, तो हम नाश्ता वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है रसगुल्ला। अरे तेज रसगुल्ला मिला। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर सोन पपड़ी है, समोसा है,
तो ये मिल चुका है रसगुल्ला का, अब सब कुछ है। तो आप इधर आ गए हैं जहाँ पर रखा हुआ है दहेज का सारा सामान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अपाचे गाड़ी है और साथ में एक हेलमेट है जो कि गाड़ी के साथ में दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं ये हेलमेट है और वो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं कूलर भी है, वॉशिंग मशीन है, एक अलमारी है और ये बर्तन वगैरह है। तो ये है शीशे का व्यू, शीशा रखा हुआ है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं तो व्यू तो काफ़ी बढ़िया है। तो और भी मैं आपको दहेज का सामान दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक अलमारी है, बड़ी सी अलमारी है और गद्दे वगैरह हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे कपड़े हैं, तो ये लड़के वालों के घर वालों के लिए कपड़े वगैरह दिए गए। तो उनमें नोट भी लगे हुए हैं, 10-10 के सारे नोट इसमें लगे हुए हैं। और भी आपको इधर दिखा दें तो ये सेट है और ये बर्तन वगैरह है, मिक्सी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये देख सकते हैं कुर्सी वगैरह, सिलेंडर, गैस चूल्हा, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये है टेबल। तो ये मतलब जो जरूरत का जो सामान है तो सारा टोटल यहाँ पर दहेज में दिया जाता है। तो यहाँ पर सारा कुछ सामान है। तो यहाँ पर कूलर आप देख सकते हैं और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, प्रेस वगैरह, LCD वगैरह, सारा कुछ आइटम जो जरूरत का है वो। तो दोस्तों फाइनली निकाह जो है वो शुरू हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि निकाह पढ़ा जा रहा है। और ये लास्ट रस्म है जो यहाँ पर निकाह होने के बाद अब बारात यहाँ से रवाना हो जाएगी घर की तरफ। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।